सात फरवरी से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षा को सुचिता के साथ नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों एवं पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में एमजी इंटर कॉलेज परिसर में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और एसडीएम मौजूद रहे। बैठक में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 7 फरवरी से संचालित यूपी बोर्ड की परीक्षा की सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि के मंशा के अनुरूप हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराएं। डीएम ने कहा कि जो भी टीचर या अभिभावक अपने बच्चों को नकल करा के पास कराते हैं उनका भविष्य अंधकारमय होता है। इस मौके पर डीएम ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है, आप सब महागुरु बन के परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराएं, पुलिस विभाग आपके साथ है। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, परीक्षार्थी कुल 69,894 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। यद्यपि निर्देश पहले से भी थे, पिछले वर्षों में भी ऐसे रहते थे, लेकिन एक नया निर्देश यह है कि हर परीक्षा केंद्र पर आपके विद्यालय के शिक्षक आगे रहेंगे। जितने भी कक्षों में परीक्षाएं आपकी होगी उसमें आधे कक्ष निरीक्षक आपके विद्यालय के रहेंगे और आधे कक्ष निरीक्षक 50% दूसरे विद्यालयों से हमारे विभाग के द्वारा हम लोगों को प्रेषित किए जाएंगे। उसकी सूची अभी पता चला है, तैयार हो गई है और वो सूची भी आप लोग प्राप्त कर लेंगे। अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर बाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश और फोटोग्राफी पूरी तरह से वर्जित रहेगा। कहने का आशय यह है कि सामान्यतः हम लोग इसको व्यवहार में ध्यान नहीं करते हैं, मोबाइल हमारे साथ रहता है, कक्ष निरीक्षक मोबाइल न लेकर जाए कक्ष में और किसी प्रकार की भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, नहीं करेंगे। किसी प्रकार का शस्त्र आदि न तो परीक्षार्थी लेके जाएगा और न ही कक्ष निरीक्षक लेके जाएंगे। किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री या किस प्रकार का कोई भी कागज ब्लैंक भी लेके जाने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग जिन भी जनपदों में, सभी जनपदों में इस बार क्रमांक वाली उत्तर पुस्तिकाएं प्रेषित की गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं, पिछले वर्ष सभी जनपदों में ये व्यवस्था नहीं थी, इस वर्ष सभी जनपदों में 100% परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की जो कॉपी यूज करेगा, जो उत्तर पुस्तिका यूज करेगा, उसका एक क्रमांक होगा और उस क्रमांक का एक उपयोग भी है। जो इस वर्ष उपस्थिति तालिका दी जा रही है उस उपस्थिति तालिका में प्रत्येक परीक्षार्थी प्रतिदिन अपनी उत्तर पुस्तिका का क्रमांक उस पर दर्ज करेगा। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसका आशय यह है कि जो भी परीक्षार्थी जो भी उत्तर पुस्तिका का उस दिन प्रयोग कर रहा है उसका वो अपनी उपस्थिति पंजिका में स्वयं दर्ज करके हस्ताक्षर करेगा। जैसे हमको बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था करनी है, अगर कहीं कमी है उसको पूरा करेंगे। किसी भी विद्यालय में कोई भी परीक्षार्थी टेंटेज में परीक्षा नहीं देगा। हर जगह पर बाउंड्री वॉल होती ही है, ऐसा हम लोगों ने बहुत पहले से लेके दिया है और इसकी भली भांति जिला प्रशासन के द्वारा और शिक्षा प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग हुई है और सबकी रिपोर्ट्स के माध्यम से ही सेंटर बनाए गए हैं। उस दिन वही परीक्षा संपन्न होनी चाहिए जिस मीटिंग में जिस विषय की परीक्षा है। कृपा करके इसका ध्यान रखें, कभी भी जानबूझ करके नहीं होगी। अगर कहीं किसी प्रकार की छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है अनजाने में तो उसको सब लोग मिल करके हल करें। नकल विहीन परीक्षा संपादित हुई थी और मैं आशा करता हूँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमारे जनपद में नहीं होगी, जिससे कहीं पर नकल की संभावना सामने आए या कोई अप्रिय घटना की स्थिति आए। और जिला प्रशासन का जो और पुलिस प्रशासन का जो निर्णय व्यवस्था में इस बोर्ड की महत्व बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथियों, वैसे एक महीने शायद एक डेढ़ महीने पहले आपको एक बार संबोधन तो कर चुका हूँ और इस परीक्षा के जो संवेदनशीलता के बारे में और व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा हुई थी। उस समय में हम लोग का सेंटर फाइनल हो गई थी। ये भी बताए थे पिछले साल से हम लोग इस बार जो परीक्षार्थी कम है फिर भी हम लोग सेंटर ज़्यादा बनाया। इसके एक ही मकसद है ताकि केवल सिफारिश वाले के ही सेंटर नहीं है, जो सेंटर का छवि अच्छा है केवल उसी के ही बनाया है।
इसलिए तो आपको भी तो आश्चर्य होगा, तो कोई दौड़ भाग बिना करते हुए आपका सेंटर अपने आप बन गया है इस बार, और हम लोग उस पर खासतौर पर आपका सेंटर का छवि का पता करते हुए, तो फिर वहाँ मेरा टीम नहीं है एसडीएम साहब और सब लोग जा करके चेक किए किसके पास पर्याप्त सुविधा का जो वहाँ व्यवस्था है उसी हिसाब से हम लोग सेंटर बनाए। इसलिए आपको ऊपर भरोसा ज़्यादा है, ताकि 212 सेंटर मांग के जा रहे हैं गोरखपुर का, ये अच्छा सेंटर के रूप से मनाया जाता है। और हम लोग का ये भी है जो आगे अब जानते हैं गोरखपुर में लगातार रोज परीक्षा तो होती रहती है, एक परीक्षा का सेंटर बनी हुई है शहर। कल भी दो परीक्षा थी, बीएड का परीक्षा थी, फिर इसका भी भर्ती पुलिस भर्ती का भी जो आरक्षी का भर्ती का भी परीक्षा थी, और लगातार रोज परीक्षा होती है। उसका सेंटर का रैंकिंग भी करवा रहे हैं ABCD कैटेगरीज करा करके, किसका छवि अच्छा है, किसका बहुत परिणाम है, किसका साफ सुथरी जो व्यवस्था है उसी का ग्रेडिंग कराने के लिए हम लोग निर्देश मिला है। जो कहा बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपको एक बार ग्रेडिंग हो जाएगा, एक तरफ मान लीजिए प्रदेश स्तर पे उसको रैंकिंग भी की जा रही है ABCD करके, खासतौर पर अग्नि सेवा आयोग ने ये डिमांड हम लोग के सामने रखा है। इस समय में आपको सामने भी चुनौती है, ताकि ये जो आप डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इस पे ये भी दिया हुआ है संवेदनशील अति संवेदनशील और सामान्य सेंटर कौन सी है, उस हिसाब से हमें भी व्यवस्था कराना होता है। ये देखिए इस पे खासतौर पे दो ही लोगों का भूमिका बहुत अहम माना जाता है सेंटर पे, खासतौर पे सेंटर व्यवस्थापक का है, ताकि हर चीज आप ही जानते हैं आपके सेंटर के बारे में, कौन टीचर है, उसका क्या ज्ञान है, कितने बच्चे हैं, कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, कौन सी कमरा में क्या व्यवस्था है, किधर खिड़की खुली हुई है, कहाँ शौचालय है, कहाँ पानी की व्यवस्था, सारी चीज बार बार आपको सामने हम लोग दोहरा रहे हैं। तो हम लोग व्यस्त समय में हम लोग कप्तान साहब निकल करके आपके सामने आने के एक ही मकसद है, लेकिन तो फंडा तो क्लियर है। पिछले बार में हम लोग डिटेल में बताया था नकल कराने में कितने बड़ा नुकसान होता है, केवल एक व्यक्ति का फायदा उनके सामने दिखता है, बट उसका परिणाम निकल करके ये सिस्टम को ऊपर इतने बड़ा चोट पहुंचाती है, उसके बाद फिर उसको सही करने में तो पीढ़ी से पीढ़ी लग जाता है, और ये गलत संदेश जाता है बच्चे भी। मान लीजिए इस समय में कक्षा 10 और कक्षा 12 पास करने वाले बच्चे ने मन हो गया, मेरा पास पैसा है, मेरा पास जुगाड़ है, हम यदि तो सिस्टम का गुमराह करके कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो आदमी कुछ भी कर लेगा भविष्य में, किसी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, उससे ज्यादा खतरनाक आदमी नहीं हो सकता है। कैंसर जैसा बीमारी हो जाता है, सिस्टम के अंदर आकर के पूरा सिस्टम को करप्ट कर देता है। अब ये बहुत जरूरी चीज है हम लोग का, ताकि वो वहीं शुरुआत में निपटा दें उनपे ऐसे मामला का। अब देखिए जो इसका बढ़ावा तो हर जगह से मिलता है लड़का का, ताकि उनका मन में यही दिखता है मैं तो डिग्री पास करूंगा, यानी जो मेरा पास बोर्ड एग्जाम है उसके बाद डिग्री मिलेगा तो फिर नौकरी मिलेगा, उनके मन में यही दिखता है, उसी के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, कहाँ पैसा देना है, किसका सिफारिश लगाने, सारे चीज। अब इसी का यार इनके मन में ये भावना हम लोग का लाना है, जो बच्चे पास होना तो अपने मेहनत से पास होगा, किसी का नकल के वजह और किसी का सिफारिश के वजह उनका रास्ता हम खोलने नहीं देंगे किसी का। और यह देखिए इस बार तो सेंटर में हम लोग काफी शक्ति कर रहे हैं, इसमें दो तीन पहल हम लोग किए हैं, वैसे तो पिछले बार भी हुआ है, सीसीटीवी कैमरा तो हर कमरा में लगी हुई है, वॉइस रिकॉर्डर भी है। आपसे ये अपील करता हूँ, ये जो परीक्षा के समय तक, यानी जो 7 फरवरी से लेकर मार्च 2 तक का जो कितने सीसी फुटेज है और जो उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसका मेमोरी इंटैक्ट रखें, ताकि ये जो कोई चीज जरूरत पड़ता है तो जांच पड़ताल में उसी से ही हम लोग का तो जांच करने में वो सुविधा मिलता है। इसलिए तो मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ किसी से, मान लीजिए बीच में किसी न किसी वजह कोई वॉइस रिकॉर्डर देखने चाहता है, नहीं तो फुटेज चेक करने चाहता है, उस समय में आपके पास मेमोरी नहीं है, फुटेज नहीं है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ऐसे नहीं केवल शोपीस लगा दिए, केवल कैमरा, बस हम लोग का बस ये कराने के लिए, फोटोकॉपी कराने के लिए नहीं चलेगा, ताकि जो एक महीने जो परीक्षार्थी का समय, जो परीक्षा के समय होता है 7 तारीख से लेकर 2 मार्च तक का, उस समय में कितने भी गतिविधियां होता है आपके सेंटर के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड होना चाहिए था। नंबर दो जो पहले इस पे कंडीशन दिया हुआ है, जो सेंटर में आपका इस समय में निर्देश भी आया है 50% आपका आदमी रहेंगे, 50% और दूसरे जगह से लगाएंगे हम लोग, जो लगाने वाले के पहले से निर्देश है, जो उसी विषय का जो एक्सपर्ट है उसी दिन उसी परीक्षा में नहीं रहेंगे, पहले से स्पष्ट है, अब जानते हैं। और दूसरा चीज है, जो वहां का मान लीजिए कोई आपका परिवार से संबंधित है, रिश्तेदार से संबंधित है, नहीं तो केंद्र व्यवस्थापक का है, नहीं तो वहां का इन्विजिलेटर का संबंधित कोई परीक्षा देता है, उन्हीं के
कतई ड्यूटी नहीं लगना है, ताकि ये जानकारी हम लोग के पास नहीं होता है। हम लोग जो नो रिलेशन सर्टिफिकेट तो लेते हैं, भले हम लोग को ये पता नहीं रहता है तो कौन है, किससे जुड़ा हुआ है। यदि आपको लगता है किसी का रिश्तेदार है, किसी का रिलेटिव है, किसी के परिवार का कोई परीक्षा दे रहा है, तो कृपया करके उनकी ड्यूटी मत लगाए होगा सेंटर से। और तीसरा चीज है जो इस समय में जो ये नया इंस्ट्रक्शन आया है, 200 मीटर परिस्थिति में कोई अभिभावक अलाउड नहीं है। अभिभावक तो पहले तो आप जानते हैं छोड़ने के लिए आते हैं, ठीक है, खासतौर पर जो लड़कियां का जो परीक्षार्थी होते हैं लड़की, उनके साथ परिवार तो आते हैं, उनको बता दीजिए वो तो परीक्षा के बाद दूर हट के जो अभिभावक को चले जाए उस पर आसपास ना रहे, ताकि हमेशा वो शिकायत मिलती है, वो कोशिश करता है उनका मदद करके उनके कैसे निकलने के लिए। और एक चीज़ है तो बार बार हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर, खासतौर पर मोबाइल फोन है और ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी जो भी डिवाइस है वो लेके आते हैं, वो उसको ऊपर सतर्क रहना है, इसलिए ढंग से फ्रिस्किंग होना है पहले से। और इनका जो भी डिवाइस है, मोबाइल, किताब और जो भी सामान रखने के लिए व्यवस्था भी आपको कराना होगा वहाँ, ताकि आज खासतौर पर जो मान लीजिए एक परीक्षार्थी उन्हीं का सेंटर कहीं दूर से लगा हुआ, जरूर तो मोबाइल तो किसी के पास तो होगा, तो स्विच ऑफ करके कहीं रखते हैं, सुरक्षा कराने की व्यवस्था आपको कराना होगा। ये कि बहुत सारे हमारे जो केंद्र व्यवस्थापक साहब हैं काफी सीनियर लोग हैं, और मैं यहाँ एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा। आप सभी, मुझे लगता है टीचर तो होंगे ही सभी लोग, कोई केंद्र व्यवस्थापक ऐसा है जो टीचर ना रहा हो? हाथ खड़ा करेगा तो मैं उनको हटा करके, जो टीचर नहीं रहे वो केंद्र व्यवस्थापक को हटा करके, मेरा श्लोक यही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने उस गुरु की पदवी को बरकरार रखें जो आपको भगवान से भी ऊपर दी गई है। आप केंद्र व्यवस्थापक नहीं है, मेरी तरफ से आप महागुरु हैं, आप गुरु नहीं है, आप गुरुओं के गुरु महागुरु हैं आप लोग। और यदि आपसे हम अपेक्षा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? कि मंशा तो है ही, लेकिन ये हमारा अपना नैतिक सामाजिक निजी दायित्व है गुरु होने के नाते आपका, कि आपके शिष्य ठीक हों। और ये एक पहली सीढ़ी है राष्ट्र निर्माण की। अगर आप सभी लोग अपने आप को भारत देश का वासी मानते हैं, राष्ट्र निर्माण की तनिक भी एक परसेंट भी आपके अंदर इच्छा है, तो ये एक महीना ऐसा मौका है कि आप देश सेवा कर सकते हैं। आपको देश सेवा के लिए कंबल बांटने की जरूरत नहीं है, आपको देश सेवा के लिए दान करने की जरूरत नहीं है। इस एक महीना व्रत ले लीजिए कि आप ये परीक्षाएं अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से कराने की, भले ही आपका बच्चा बैठा हो वहां पर। ये वो बीज है जो 20 साल बाद फलता है। आज दसवीं का बच्चा जो पढ़ेगा, जो फेल होगा चाहे पास होगा, आज दसवीं का परीक्षा दे रहा है 15 साल का है, जब वो 25 साल का होगा यही एक बीज होता है, दसवीं में क्या किया तुमने, और यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। जैसा जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि उसको गलत पैटर्न की पढ़ाई हो जाएगी, गलत नकल से पास हो जाएगा, तो उसको जीवन का औचित्य नहीं समझ में आएगा, जीवन का मूल्य नहीं समझ में आएगा, आपका ही सम्मान नहीं करेगा। गुरु और माता पिता, यही तीन लोगों को हमें सिखाया गया है, और आप तीनों का अगर सम्मान नहीं होगा, सोसाइटी समाज जो है खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे एक ही मार्मिक यही अपील हृदय से करूंगा आपसे, कि अपने हृदय के अंदर बैठे उस महागुरु को जगाएं, राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग दें, समाज के निर्माण में हमारा सहयोग दें। ये केवल गोरखपुर की बात नहीं है, ये आपके अंतर्मन की बात होनी चाहिए कि गोरखपुर में, हमारा शहर जो गोरखपुर है, नकल विहीन परीक्षा होंगी। और छोटी छोटी बातें जिलाधिकारी महोदय ने बता दी हैं। आप में से कुछ बहुत बुजुर्ग हैं जो शायद व्हाट्सएप वगैरह ना भी चलाते होंगे, मेरी गुजारिश यही है कि केंद्र व्यवस्थापक साहब सभी लोग स्मार्टफोन सीख लें। इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो स्मार्टफोन नहीं चलाते? हाथ खड़ा करें जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। हैं कुछ लोग हैं अभी भी, तो स्मार्टफोन वो स्क्रीन टच वाले फोन है, इसको कम से कम सभी केंद्र व्यवस्थापक रखे हैं, जिससे आपके ग्रुप सम बना सके, आपसे संवाद रख सके, क्योंकि 211 लोगों से लगातार संवाद रखना ये भी मुश्किल बात है। दिन में कम से कम जिलाधिकारी महोदय या हम में से कोई एक बात रख देगा, आपको हम कुछ क्लिपिंग भेज देंगे, देख लीजिएगा। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। ज़रूर बहुत सख्ती से कार्रवाई होगा इस बार, निर्देश तो स्पष्ट है, उस पर हम नशे तक लगाएंगे ताकि एक तरफ ये देश हानि पहुंचा रहा है तो बड़े सिस्टम का तो हानि पहुंचा रहा है उसी का, उसी के सबसे बहुत सीरियसली लेंगे उसका। पहले से शक्ति कर रखा है हम लोग, 211 जो व्यवस्थापक आए थे वो सबको निर्देश दिए हैं, पहले भी हमने इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली बता दिया, कहीं भी नकल होते हुए मिलता है तो बहुत सख्ती से शक्ति कार्रवाई होगा उस पर। अब उसी का दोबारा हम लोग दोहराने के लिए आए ताकि 7 तारीख से भी परीक्षा चालू होने वाले फरवरी से, उसका हम लोग सख्ती से करेंगे और पारदर्शिता रूप से करेंगे, अच्छा परीक्षा होगा इस पर। हाँ, उन लोग रैम को सुविधा है, फिर मान लीजिए नेत्रहीन होते हैं तो उसका अलग समय भी देते हैं, हर घंटे के 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है उनका, स्क्रिबर भी अलो करते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन क्लियर है, जो बच्चे हैं जो विकलांग जो कितने बच्चे हैं उसी का उसी हिसाब से सुविधा मिलेगा।